मुकदमा दर्ज होने पर क्या भारतीय किसान यूनियन भानु युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया कि उन्होंने बीते 8 अगस्त 2023 को जहांगीराबाद स्थित एक जमीन का एग्रीमेंट 15 लाख रुपए बीघा में अपनी माता जी के नाम कराया था। जिस किसान से उन्होंने वह जमीन ली थी तय अनुसार उसका पेमेंट भी चेकों के माध्यम से बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दे दिया था। बताया कि उसके अलावा भी उन्होंने करीब 6 लाख रुपए जमीन का बकाया राशि भी दे दी, लेकिन एक दबंग किस्म के व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर भी है, कई सारे मुकदमे उस पर दर्ज हैं। उसके दबाव के चलते जिन किसानों से जमीन ली थी वह उनको ना तो जमीन की रजिस्ट्री करने दे रहे हैं, ना उनके पैसे वापस दे रहे हैं, और उल्टा ही जहांगीराबाद कोतवाली इंचार्ज आईपीएस आदित्य बंसल ने दबंगों से मिली भगत कर उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि उक्त मामले में उन्होंने पहले ही कई लोगों के खिलाफ नाम दर्ज लिखित शिकायत कोतवाली जहांगीराबाद में पहले दी थी। और पूरा क्या मामला है, इस बात को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई थी और अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं कुलदीप गुड्डू, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से हूँ। हमारे द्वारा एक एग्रीमेंट जहांगीराबाद में 8/8/2023 को कराया गया था, जिसमें 6 लाख रुपए देने तय हुए थे, जो कि हमने 3,30,000 रुपए का एक चेक, 2,50,000 रुपए का एक चेक और 20,000 रुपए नगद दिए थे। हमारी जो जमीन है सर्किल रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए में 2.5 बीघा जमीन लिखी गई थी, जो इस एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड है। उससे पहले 3,30,000 का जब हमारा चेक क्लियर हो गया, उनके खाते में पैसे चले गए, तो मुझे किसी के द्वारा एक सूचना मिली कि जिन लोगों से मैंने जमीन ली है उन लोगों ने इस एग्रीमेंट में हमारे में अपनी जाति कुम्हार दर्शाई है, अपनी जाति को कुम्हार बताया कि हम कुम्हार जाति से हैं, लेकिन जो जिनसे इन्होंने जमीन खरीदी है, जो बैनामा इन लोगों ने 2.5 बीघा जमीन का किया था, उसमें इन्होंने अपनी जाति अनुसूचित जाति धोबी दिखाई है। जब वो मैंने बैनामा देखा तो मैंने इनसे अपना 2.5 लाख रुपये का चेक लगाने के लिए मना किया कि आप मेरा चेक मत लगाना, लेकिन मुझसे बगैर पूछे इन्होंने चेक लगा दिया। और मैंने जब इनसे इसका कारण पूछा कि आप जाति से धोबी समाज से हैं या कुम्हार समाज से हैं, तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो 14 तारीख को मैसेज आया कि आपका 2.5 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया, दिन शनिवार था, तो मैंने अगले दिन इतवार था और 16 तारीख को इनके खाते में 2.5 लाख रुपए NFT के माध्यम से भेज दिए, जो कि ये भेजे हुए हैं पैसे, 6 लाख रुपए इन पर टोटल पहुंच गए। उसके अलावा इन्होंने अपने परिचितों के खाते में मुझसे ये पैसे डलवा लिए, ये इन्होंने पैसे ट्रांजेक्शन करवा दिए, अकाउंटों में ट्रांजेक्शन करा दिए, लगभग 6,30,000 रुपए इनके द्वारा और कुछ नगद कुछ खातों में मुझसे और ले लिए, 12,30,000 रुपए इन लोगों पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये केवल 6 लाख रुपए को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले इनके द्वारा कई झूठे प्रार्थना पत्र दिए गए हैं और इनके साथ में एक दीपक शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा निवासी गाँव खालौर हैं, जिनके खिलाफ एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेकर लूट, डकैती, NDPS कोई ऐसी धारा नहीं है जो उनके पास में मुकदमा नहीं है, बड़े अपराधी का उनका इतिहास है। उन वो पर्दे के पीछे से इनको आप जमीन वालों के अपने साथ में लेकर घूम रहे हैं। वो मैंने जो 6,30,000 रुपए दे रखे हैं, ये जमीन वाले और वो मिलकर उन पैसों का गबन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने थानाध्यक्ष महोदय श्री आदित्य बंसल जी को प्रार्थना पत्र दिया, पूरे सबूत के साथ प्रार्थना पत्र दिया, इनकी हिस्ट्री शीट दी, खाते के ट्रांजेक्शन दिए। ये पूरन देवी जो महिला है, पत्नी लल्लू सिंह, जिन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया, इन्होंने 20 दिन पहले भी इसी जमीन की आड़ में ही बताकर कि मेरी जमीन पर अवैध कुछ कब्जा कर रहे हैं, 5 लोगों के खिलाफ और 4 लोग अज्ञात, 9 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत करा चुकी है। विकलांग व्यक्ति का इससे क्या संबंध है? ये जो दिव्यांग व्यक्ति है, इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, लल्लू सिंह के नाम पर जमीन है और उसके जो 2 बेटे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लल्लू सिंह कभी आगे नहीं आते हैं, नहीं उनके दोनों जो स्वस्थ बेटे हैं वो आगे आते हैं, ये पूरा एक ग्रोह है। इनके द्वारा 20 दिन पहले भी एक FIR पंजीकृत कराई गई है इस जमीन को लेके, एक ये दूसरी FIR मुझ पे पंजीकृत कराई गई है कि हमारे पैसे नहीं दिए गए हैं, हमारे साथ गाली गलौज की गई है, जबकि इनके द्वारा मुझसे कई बार ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ये कहा गया कि दीपक खालौर बड़े बदमाश हैं, ये हमारी हत्या कर सकते हैं, हमें डर है कि कहीं यदि हम इनको पैसे ना दें तो ये हमारी हत्या कर देंगे। तो मैंने आदित्य बंसल साहब से जो प्रभारी हैं वहाँ उनको लिखित में एप्लीकेशन दी, कई बार इनको बुलाया गया, ये वांटेड भी है वहाँ से, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, सारे सबूत होते हुए भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज
हम जिलाधिकारी महोदय से कुछ लोग इस संबंध में मिले हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु का आज धरना जहीराबाद थाने में चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर, भयमुक्त उत्तर प्रदेश की नीति पर काम कर रहे हैं, तो जो थाना प्रभारी महोदय हैं जहीराबाद, उनके द्वारा हिस्ट्री शीट और बदमाश को, अपराधी को शरण क्यों दी जा रही है, एक झूठा मुकदमा क्यों पंजीकृत करा गया, सारे पेपर मैंने आपको दिखाए हैं। वो महिला है ये जो एक जगह अपनी जाति लिख रही है धोबी, एक जगह अपनी जाति लिख रही है कुम्हार, और इसी जमीन की आड़ में कई लोगों को पहले ठग चुकी हैं, पहले भी मुकदमा पंजीकृत करा चुकी हैं। विकलांग का इसके नाम पर कोई जमीन नहीं है, ये विकलांग को सहानुभूति लूटने के लिए दीपक जो शर्मा है खालोर के, वो अपनी पूरी इनका एक पूरा गैंग है, इनके साथ एक राहुल है, एक गगन है, एक मोनू है और कई अन्य लोग हैं, ये पूरे गंग उस जमीन की आड़ में पैसे वसूल कर रहे हैं। जब मेरे द्वारा पैसे वापस मांगे गए तो इनका कहना है कि मैं आपकी हत्या करा दूंगा, ये बात मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस को बताई। तो देखिए भाइयों, आप आज इतने सारे लोग हैं, पत्रकार साथी मैंने इसलिए बुलाए हैं कि आज हमारा जो वहाँ धरना प्रदर्शन है उसमें भी सुनियोजित तरीके से, जैसे हापुड़ में घटना कारित हुई है, ऐसे ही वहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं वो चाहते हैं कि दूसरे पक्ष के लोगों को वहाँ बुला लिया जाए और आपस में इन लोगों का विवाद करा दिया जाए ताकि कार्रवाई करने में कुलदीप गुड्डू के खिलाफ आसानी रहे। तो वहाँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धरना प्रदर्शन में, क्योंकि मैंने पहले ही LIU इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरे जिला प्रशासन को सूचना दे दी है धरना प्रदर्शन की, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी के आदेश पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से हम वहां अपनी बात रखेंगे और यहां वहां घटने में, वहां धरने में कोई भी अप्रिय घटना होती है, क्योंकि हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, कोई भी अप्रिय घटना होती है तो थाना प्रभारी महोदय प्रशिक्षित IPS श्री आदित्य बंसल जी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। इनका तानाशाही रवैया है, पूर्व में भी ये व्यापारियों के साथ में मारपीट कर चुके हैं, व्यापारियों को शोषण कर चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में वकीलों को भी समर्थन 4 तारीख को दे दिया था, तो इनने 5 तारीख में मुझको वहां थाने पर बुलाकर इस बारे में भी धमकाने का काम किया था कि यदि आप वकीलों को समर्थन दोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। तो वो मुकदमा ना लिखते हुए 6 तारीख में झूठा प्रार्थना पत्र लेके जानबूझकर सारे पेपरों को देखते हुए इन्होंने, मैं 10-20 बार थाने बुलाया, सारे पेपर मैंने इनको अपने दे दिए, उसके बावजूद भी एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को बचाने के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी रोजाना हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक अपराधी को बचाने के लिए, एक अपराधी से मेरे पैसे मरवाने के लिए, क्योंकि वो रंगदारी वाला अपराधी है, वो 50,000 रुपए मुझसे ले भी चुका है, तो मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम जैसे किसान नेता यदि सुरक्षित नहीं है, यदि हम पर कोई हमला हो जा, हमारे साथ कोई घटना हो जा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अभी आप देख रहे हो पूरा उत्तर